अब जरा इस सवाल को देखिए, 5 साल पहले राम और मोहन की औसत आयु 15 साल थी, तो औसत आयु के बारे में थोड़ा बहुत तो पता ही होगा। देखो कैंडिडेट कितना है भैया, 2 जन है। कौन कौन है? राम और मोहन। तो कैंडिडेट 2 जन है, औसत आयु 15 साल थी, है नहीं? तो पहले भैया जब थी था तो उस वक्त दोनों की आयु का योगफल क्या था? तो 15 से हमने 2 गुना कर दिया था, पता चला राम और मोहन की कुल उम्र जी थो 30 साल थी। क्यों? 15 दुनी 30। और 2 जन थे, 5 साल पहले वाली कहानी बोलता है, तो 5 साल बाद क्या होगा? राम का उम्र 5 साल बढ़ जाएगा, मोहन का भी उम्र 5 साल बढ़ जाएगा, तो नेचुरली से हमें 10 जोड़ देंगे, तो अभी की उम्र जो है वो कितनी हुई? 40 साल हो गई। कोई शक नहीं, कोई सुबह मतलब ये नहीं। और हमने लिख दिया ये राम है और हमने लिख दिया ये मोहन की मामला चल रहा है। अब बोलता है आज राम मोहन और श्याम की औसत आयु 20 साल है, तो कुल आयु क्या होगी? कितने जन है भैया? 3 जन है, 20 को 3 से गुणा किया तो कितना हुआ भैया? 60 साल हुआ। तो इसमें कौन कौन है? इसमें राम जी हैं, मोहन जी हैं, ठीक है ना, और प्लस श्याम जी हैं। जबकि राम और मोहन का जो कितना था भैया, राम और मोहन का खींच लेते हैं यहां पे 40 साल है, ठीक है ना। तो 40 साल अगर घटा दिए, 60 से 40 बच गया 20। ये 20 क्या है? राम और मोहन तो चला गया, राम और मोहन तो यहां हमने ले लिया, ठीक है ना। तो ये श्याम जो है इसी का उम्र जो है 20 साल है। तो हमने टिक मारा और सीटी बजाते हुए निकल गए। लोग कितना दूर से करें, सही पूछो क्या इसे करने के लिए तुम्हें ये सब लिखने की जरूरत है? मेरे को तो कहीं से लगता नहीं है ये जरूरत है। अगर ये मैथ को आप सीख लेते हो तो ये सब लिखने की क्या जरूरत है भैया? सीधा करते हो ना, 15 दुनी 30 और 10 जोड़ा 40 हो गया। राम मोहन और श्याम 3 जन है, 20 30 60, 60 में से 40 घटाया तो 20 बचा, बस हो गया। सहज। देखिए आप गणित को जितना ही प्यार करते हुए सहज और सरल में करने की कोशिश करेंगे, गणित भी उतना ही आपसे प्रेम करेगा। ये एक वास्तविक सच्चाई है। हम क्या करते हैं, फॉर्मूला की जरूरत नहीं होता है, मैं नहीं बोलता फॉर्मूला का जरूरत होता है, लेकिन हम फॉर्मूला के ऊपर जो है ना उसके ऊपर पूरा बेस कर जाते हैं। तो जो चीज अति स्वाभाविक है, अति सरल है, उसे भी हम कॉम्प्लेक्स बना के सॉल्व करने की आदत हमने डाल लिया है। ये इस जमाने की कहानी है। हम थोड़ा सा पुराने विद्य व्यक्ति हूं मैं, पुराने जमाने में, तो पुराने जमाने के हम लोग बेवकूफ नहीं हुआ करते थे, बल्कि हम आज के जमाने दूसरे तरह आज के जमाने से कहीं ज्यादा तेजी से करने के रखते थे, क्योंकि हमारे जो सर होते थे उन्हें इन चीजों को इस सहज सरल रूप में बताने की कोशिश करते थे। तो हमें उससे अब हम क्या है, मैं तो उस जनरेशन का ही प्रतिरूप हूं ना, तो उस जनरेशन में जो सिखाया जाता था उसी तरीके से कर रहा हूं, जो आज के दिन में काफी जरूरी हो चुका है। तो चलिए अब नेक्स्ट सवाल भी करते हैं। और थोड़ा सा मैं यार ये उम्र के सवाल से थोड़ा सा परेशान हो गया हूं, अब 1-2 करके हम नए चैप्टर में चले जाएंगे, ठीक है ना।